पाठ साथ पढ़ रहे हैं गुरु भक्त एकलव्य। इस पाठ में हमें एकलव्य की गुरु भक्ति के बारे में बताया गया है कि वह कितना बड़ा गुरु भक्त था। हस्तिनापुर के पास एक भीलो की बस्ती थी जहाँ पर गुरु एकलव्य का जन्म हुआ। एकलव्य के पिता बस्ती के सरदार थे और वे बहुत साहसी थे और सदाचारी थे। सदाचारी का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाला। एकलव्य पर उनका प्रभाव पड़ा। छोटी ही उम्र में एकलव्य बाण चलाने में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी, परंतु वह और अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था, इसलिए वह गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। पर गुरु द्रोणाचार्य ने उसने भी आकर गुरु द्रोणाचार्य का चरण स्पर्श किए और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, कृपा करके आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। गुरु द्रोण ने कहा कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को, क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरु के चरण स्पर्श करके एकलव्य वापस लौटा, पर उसने हार नहीं मानी और उसने गुरु द्रोण की एक प्रतिमा स्थापित की और उनकी उनकी प्रतिमा की रोजाना पूजा अर्चना करता और उसके सामने ही वह युद्ध धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे वह अभ्यास करते करते श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। एक दिन भीम, अर्जुन और आदि राजकुमार घोड़े से सवार होकर निकल रहे थे और एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा था। तब क्या हुआ कि एक कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने पर उसने उसके मुंह में बाण चढ़ाया और उसका मुंह बंद कर दिया। ये देखकर राजकुमारों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब एकलव्य ने कहा कि मैं एकलव्य हूँ और उन्होंने उसके गुरु का नाम पूछने पर उसने गुरु द्रोण का नाम बताया। गुरु द्रोण ने राजकुमारों को आश्वासन दिया था कि सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही होगा। जब ये बात उन्होंने जाकर अपने गुरु को बताई तो गुरु द्रोण एकलव्य से मिलने के लिए वहाँ आए। उन्हें बहुत एकलव्य को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने एकलव्य ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हारी योग्यता से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा आज्ञा कीजिए गुरुदेव। गुरु द्रोण ने उससे कहा कि आप मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दीजिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य ने अंगूठा देने के लिए कहा। एकलव्य ने आपने तो कुछ और कुछ भी मांगा होता ना तो मैं दे देता, और अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। इस प्रकार एकलव्य की गुरु भक्ति महाभारत में एक प्रसिद्ध प्रसंग मानी जाती है और एकलव्य अपनी गुरु भक्ति के कारण अमर हो गया, मतलब गुरु भक्ति में एकलव्य का नाम सबसे ऊपर आता है। इस पाठ के शब्द लिखने हैं और इस पाठ का वर्क आपको